find the area of right angle triangle find the area of right angle triangle if the radius of the semicircle is 3 if the radius of the semicircle is 3 and continue drawn from hypotenuse and the altitude drawn to the hypotenuse is 4 cm. Find the area of the right triangle if the radius of the semicircle is 3. The semicircle is given a portion. So the radius is 3. And the altitude drawn to the hypotenuse is 4. Find the area of the right triangle. प्लीज माइक लगा लो, आपकी आवाज कम आ रही है। हाउ यू विल फाइंड द एरिया हाफ इनटू बेस इज 6 बेस इज हाइट इज आंसर 12 Area of the triangle is 12 centimeters square. Half into base into height. Now, second question, find the area of the shaded region. OABC is a square of side 7 centimeters. OAC is a quadrant. Ye quadrant hai, ye given hai. Find the area of the shaded region. फाइंड करो जल्दी से स्क्वायर है ये क्वाड्रेंट है इसका एरिया निकालो साइड भी सहज कैसे करेंगे ये क्वेश्चन क्वाड्रेंट का एरिया क्या होता है क्वाड्रेंट होता क्या है पहले ये बताओ इधर बाहर आओ नोटबुक लेके इधर आ जाओ सीधे बैठो क्वाड्रेंट क्या होता है क्वाड्रेंट क्या होता है मैंने पूछा क्वाड्रेंट क्या होता है क्वाड्रेंट का मीनिंग क्या होता है किसका हाँ क्वाड्रेंट इज अ फोर्थ पार्ट ऑफ द सर्कल तो क्वाड्रेंट का एरिया क्या होगा एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड करना है दैट इज साइड स्क्वायर एरिया ऑफ क्वाड्रेंट 1/4 पाई आर स्क्वायर रेडियस कितना आएगा क्वाड्रेंट का 7 ये 7 है तो ये भी 7 तो स्क्वायर के एरिया में से क्वाड्रेंट का एरिया माइनस कर दो आंसर इज 10.5 सिर्फ ये फाइंड करना है
माइनस, ये सेक्टर थोड़ी है, आप बताओ क्या लगेगा। तीन दो मेथड हैं इसके, एक तो सर्कल में से इक्विलेटरल ट्रायंगल को माइनस कर दो, तीन सेगमेंट आ जाएंगे, उसको थ्री से डिवाइड कर दो, एक सेगमेंट आ जाएगा, एक तो ये है, या इसको ज्वाइन करके एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लो, सेक्टर में से ट्रायंगल माइनस कर दो, सेगमेंट आ जाएगा, आपकी मर्जी है जैसे करना चाहो। अब देख लो आपको किसमें ज्यादा तो नहीं फाइंड करना पड़ रहा, सर्कल का एरिया निकाल सकते हो, रेडियस आपके पास है, लेकिन इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड नहीं है, उसका एरिया कैसे निकालोगे। बिल्कुल, ये देखो इधर इसको ज्वाइन किया आपने, ये वाला फाइंड करो या ये फाइंड करो, बात तो एक ही है, आंसर तो सेम ही आएगा। ये देखो अगर आप ये ज्वाइन कर देते हो इस तरह से, ये एंगल कितना है, ये 60 है, ये भी 60 है, इससे आप ये निकाल सकते हो, ये बेस निकाल सकते हो, आपकी बुक का क्वेश्चन है सेम। ये देखो ये 60 है एंगल, एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर वो आपको चाहिए नहीं, वैसे फाइंड कर सकते हो, आप ये कर लो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कर लो, एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज ये बेस, आपको बेस चाहिए, अगर आपको डीसी मिल जाए, डीसी का आप डबल कर दो तो साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल मिल गई, तो आप क्या करो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज लगा लो, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है, कॉस, कॉस 60, ट्रिग्नोमेट्री लगा रहे हैं यहाँ पे, कॉस 60 इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस इज योर डीसी एंड ओसी इज योर हाइपोटेन्यूज, डीसी फाइंड करना है, ओसी कितना है 4, कॉस 60 कितना होता है साइन 30 के इक्वल 1/2, कितना आ जाएगा, कितना आएगा 2 आ जाएगा, डीसी कितना आ जाएगा, ये आ गया 2, अगर ये 2 है तो ये कितना आ जाएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड क्या आ गई 4, एरिया ऑफ स्क्वायर में से इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दो, आपके पास 3 सेगमेंट का एरिया आ जाएगा, उसको 3 से डिवाइड कर देना, सिंगल का आ जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल निकालो। एक्चुअली ये हमने सब क्यों किया है, क्योंकि हमने ये साइड निकालनी थी इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है √3/4 साइड स्क्वायर, साइड चाहिए थी, आपकी बुक का ही क्वेश्चन है, टर्म्स चेंज हो सकती है लेकिन क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। साइड क्या आ रही है हमारी, ये तो 4√3 आ रही है, इधर देखो ये पूरा एंगल 60 है, इसको नहीं 60 लेना था, इसको क्या लेना था, या आप एक काम कर लो ये 120 है पूरा, ये 120 है ना, कल बताया था इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री होता है, ये सारे एंगल क्या होते हैं 120 120, ये पूरा 120 है तो ये 60 हो गया, ये 90 होता है तो ये 30 आ जाएगा, ठीक है, ये 30 है, 30 से निकालना है, यहाँ 30 आना है, √3/2 क्या आ जाएगा, √2/3 आया ये, तो डबल करके क्या आ जाएगा 4√3 साइड ऑफ इक्वल, मुझे लग रहा था कि दोनों की सेम कैसे आ सकते, ये भी 4 आया था वो भी 4 आया, सेम नहीं आएगा, जितना रेडियस है उतने पूरा उतना का तो बन भी नहीं सकता इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल आ जाएगी 4√3, ठीक है, तो सर्कल के एरिया में से इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दो, जो आएगा उसको 3 से डिवाइड कर दो टू गेट एरिया ऑफ वन सेगमेंट, करो एरिया ऑफ सर्कल फाइंड करो, कर लिए नैना फाइंड एरिया ऑफ सर्कल, पाई में दिया हुआ आंसर, ठीक है, आप ऐसे करो, आप ऑप्शंस में अगर पाई में हो ना तो आप क्वेश्चन को पाई में रख लेना, ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल को पाई में कर लेना, देख लेना ऑप्शन के अकॉर्डिंग उसी में सॉल्व करना, ऐसे करोगे पूरा तो फिर चेक करना डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है, पाई में ही रख लेना आंसर। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या आ रहा है,
एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल रूट रूट थ्री बाय फोर साइड स्क्वायर 12√3। ठीक है, माइनस कर दो, आंसर पाई में दिया हुआ है, पाई में ही कैलकुलेट करना है आप लोगों ने भी। आज जितना भी ये चैप्टर हो जाएगा फिर नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे, बस दोबारा नहीं होगा, लेकिन डेली 1 या 2 क्वेश्चन मैं डेली दूंगी प्रैक्टिस के लिए। ये कौन सी फिगर है? कभी भी ना फिगर को देखकर नहीं, जो क्वेश्चन में दिया होगा उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करना। कई बार क्या होता है, फिगर लगती होती है पैरेललोग्राम पर, दिया नहीं हुआ तो आप लगा नहीं सकते। ठीक है, तो जो दिया होगा उसके अकॉर्डिंग चलना। ए बी सी डी, हाँ जी है, ये नहीं समझ आया तो इजी था उल्टा। सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्या एरिया ऑफ सर्कल को आप ऐसे ही छोड़ दो ना, पाई आर स्क्वायर माइनस इसका आ रहा था 12√3, ये आ रहा था ना एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, पाई सेम रख दो 4 स्क्वायर माइनस 12√3 16 पाई माइनस 12√3। ठीक है, ये जो माइनस करके आया ये क्या है, एरिया ऑफ 3 सेगमेंट, इसको 3 से डिवाइड कर दो, ये आंसर। ऊपर से क्या कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन, 4 पाई माइनस 3√3 अपॉन 3, ये आंसर। ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है। दूसरा मेथड ये था कि एरिया ऑफ सेक्टर निकाला जाए, एंगल है 120, आपको 120 वाले एंगल वाले क्वेश्चन नहीं है ना सेगमेंट में, इसलिए नहीं करवाया उससे। पेपर में आप सॉल्व तो जिससे मर्जी करो, एमसीक्यू है, पर आपके सिलेबस में वो सेगमेंट वाला नहीं है, इसलिए इससे करवाया, जिससे मर्जी कर दो। तो ये आया तो है, ये देखो, तो ये सेगमेंट से थोड़ी हो रहा है, हमने किसी और से किया है, तो आप सिंपल से कर लो। उनको क्या पता आपने कैसे सॉल्व किया है, आप जो मर्जी करी जाओ, आंसर ही मार्क करने हैं, आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए जो मर्जी करते जाओ। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ये फिगर दी हुई है, इसमें ये जो एंगल है ये 60 है, ये फाइंड करना है, ये इसका एरिया फाइंड करना है, ये 3 है। ठीक है, एबीसीडी से ट्रेपीजियम गिवन है, तब तक आप नहीं ले सकते जब तक गिवन ना हो, और अगर ये गिवन नहीं होता तो ये गिवन होता कि ये लाइन इसके पैरेलल है, किसी कोऑर्डिनेटरल में अगर वन पेयर ऑफ साइड पैरेलल होती है तो वो ट्रेपीजियम ही होती है। ठीक है ना, वन पेयर ऑफ साइड पैरेलल है तो ट्रेपीजियम, टू पेयर ऑफ साइड पैरेलल है तो पैरेलल है। ठीक है, अगर ट्रेपीजियम ना भी लिखा हो, सिर्फ वन पेयर ऑफ साइड पैरेलल लिखा हो, तो भी आप इसको ट्रेपीजियम ले सकते हो। ट्रेपीजियम का एरिया पता है, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट, मतलब इन दोनों की लेंथ प्लस ये परपेंडिकुलर हाइट। ठीक है, ये होता है एरिया। अभी आपने ये फाइंड करना है, ये क्या बन रहा है, किसने कहा क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट होता है 90 वाला, ये सेक्टर है जहां पे 90 डिग्री एंगल होता है वहां क्वाड्रेंट, ये 60 है, लाइंस पैरेलल है, ये एंगल कितना आएगा 180 माइनस 60 120। कैसे, पैरेलल लाइन का कंसेप्ट इतनी छोटी छोटी बातें, ये लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, ये कौन से एंगल हो गए, को इंटीरियर है, ये 60, ये 120, ये 120 आ गया, एंगल मिल गया, रेडियस मिल गया, एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लो बस। इसमें एक्चुअली ट्रेपीजियम का कंसेप्ट था इसलिए बताना था, एरिया ऑफ सेक्टर आपको आता है, करो स्टार्ट, आंसर बोलो क्या आएगा। आंसर पाई में दे दो, ये ना हाँ पाई में ही दे दो आप,
हाँ जी हाँ जी हाँ जी आवाज बंद करो। ऐसे क्वेश्चन आते हैं काफी बार एग्जाम में, प्रीवियस सैंपल पेपर्स देखोगे आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे। बस ध्यान से करना है इन क्वेश्चन में, काम मुश्किल नहीं है, ठीक है, डिफिकल्ट नहीं होते, कैलकुलेशन होती है, बस ध्यान से करना, आराम से, सारा कुछ एक स्टेप में मत करना, गलती हो जाएगी। ठीक है, आप देखो इधर, पहले क्वेश्चन सुनो क्या कहता है। बड़े वाला सर्कल है, पी एस उसका डायमीटर है, पी क्यू आर एस इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। पी क्यू आर एस इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। तो डायमीटर कितना हो गया? 12 हो गया, ये पूरा हो गया 12। ठीक है, अगर ये 12 है, ये कितने पार्ट दिखाई दे रहे हैं आपको? 3। अगर आप 12 को 3 से डिवाइड कर दो तो हर किसी छोटे वाले का ये 4 हो गई, ये भी 4 हो गई, ये भी 4। ठीक है, अब क्या करना है, देखो इधर, इधर देखो, आपको ये सेमी सर्कल दिखाई दे रहा है, इस सेमी सर्कल का रेडियस क्या है? डायमीटर कितना है? 8। रेडियस कितना है? 4। इस सेमी सर्कल का एरिया निकाल लो। ठीक है, फिर आपको ये बड़े वाला सेमी सर्कल दिख रहा है, इसका रेडियस कितना है? 6। क्वेश्चन में गिवन था, क्वेश्चन में गिवन था ना कि ये क्या है, डायमीटर, इसका रेडियस कितना था? 6। और आपने 12 किया ही तो हुआ है, 12 का हाफ कर दो, 6। बड़े वाले का एरिया निकाल लो सेमी सर्कल का, सारे सेमी सर्कल है, बड़े वाले सेमी सर्कल का एरिया निकाल लो, पाई आर स्क्वायर बाय 2, रेडियस विल बी 6। अब ये छोटा सेमी सर्कल दिख रहा है ये वाला, इसका रेडियस कितना है? इसका डायमीटर 4 है, रेडियस है 2। पहले तो ये 3 काम करने हैं आपने, 1 2 और ये 3, तीनों सेमी सर्कल का एरिया निकाल लेना है अलग अलग, एक बार लेना है रेडियस 4, एक बार 6, एक बार 2। ठीक है, अब करना क्या है, ये तो आपको चाहिए, इसका मतलब इसको करोगे प्लस, और इस वाले में से ये नहीं चाहिए, तो बड़े वाले में से छोटे वाले को, ठीक है, इस बड़े वाले में से अगर इसको रिमूव कर दो तो ये आ जाएगा, दिस प्लस दिस कर दो तो शेडेड पोर्शन का एरिया आ जाएगा। समझ आइए? चलो करो आप स्टार्ट, ऐसे लर्न थोड़ी करना है। 2, सबसे छोटे वाला सर्कल 2, ट्वेल्व पाई निकालना है, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन टू दैट ऑफ द अनशेडेड रीजन, रेशियो निकालना है। शेडेड रीजन पहले निकाल लो, पहले इतना कर लो सारे, उसके बाद जो अनशेडेड है ना, अनशेडेड कौन सा है? ये सारा, ये सारा इधर वाला, ये वाला पोर्शन, इसकी रेशियो निकाल, ये कैसे आएगा? ये एरिया में से ये वाला टोटल में से ये वाला माइनस कर दो, अनशेडेड आ जाएगा। फिर शेडेड और अनशेडेड की निकालनी है रेशियो। ठीक है, चलो करो। हैं? अरे कुछ थोड़ा सा पार्ट है, ये देख लो आपके सामने ही है, ये एमसीक्यू है, ये इसका सॉल्यूशन है, आपका एक पेज तो आराम से बनेगा, उन्होंने भी सारा ही किया हुआ है, तो कोई बात नहीं, आप भी तो इतने बड़े हो, बड़ी क्लास में हो, 10th में। पाई लेके चलो, जब भी रेशियो वाला क्वेश्चन आए, अवॉइड टेकिंग द वैल्यू ऑफ पाई, पाई विल डायरेक्टली कैंसिल आउट, अवॉइड करना पाई लेना, ठीक है, डायरेक्टली लेके चलो, वैल्यू मत पुट करना पाई की, रेशियो शेडेड टू अनशेडेड, फिर 2, फिर शेडेड वाला एरिया निकाल लो,
उसका फोर, पाई को पाई रहने देना,